बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बीकॉम बीएमएस की क्लास में टॉपिक है हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द मीन। इस बात का क्या मतलब है कि ये रेसिप्रोकल होता है मीन का। मीन क्या होता है हमारे पास, मीन हमारे पास होता है समीशन एक्स बाय एन। अब देखें रेसिप्रोकल ऑफ मीन, आपने क्या कर लेना है, रेसिप्रोकल ले लेना है किसका, मीन का, यानी कि एन ऊपर चला जाएगा और समीशन एक्स आएगा, लेकिन समीशन एक्स आगे फिर करते देखते हम। फिर उसके बाद है रेसिप्रोकल वैल्यूज, द मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज, जो ये वैल्यूज है ना इनका भी आपने रेसिप्रोकल लेना है। इट मीन्स कि ये इसका भी रेसिप्रोकल, एक तो मीन का रेसिप्रोकल लेना है ये, और दूसरा ये जो वैल्यूज हैं इनका भी रेसिप्रोकल लेना है। इस तरह से हमारे पास फार्मूला बन जाता है रेसिप्रोकल ऑफ मीन और रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज। सो अनग्रुप डेटा के लिए फार्मूला है हार्मोनिक मीन, एन डिवाइड्स समीशन वन बाई एक्स, और इधर हार्मोनिक मीन का फार्मूला ग्रुप डेटा के लिए एन की जगह पर समीशन एफ आ जाएगा और समीशन एफ बाई एक्स, सिर्फ एफ 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 आ जाएगा ग्रुप डेटा में। अब स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ मेथड की बात फार्मूलों की होती है, कोई भी डेटा आपके पास गिवन हो तो आप उसकी मदद से इजीली जो है उसको सॉल्व कर ले सकते हैं, सिर्फ फार्मूले याद होने चाहिए। अब आज हम पहले हार्मोनिक मीन का अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम ग्रुप डेटा का सॉल्व करेंगे। आप लोग कैलकुलेटर वगैरह साथ रखा करें ताकि साथ साथ मेरे कैलकुलेशन करते रहें। क्वेश्चन है कैलकुलेट कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। अब देखें ये आपके पास आम ग्रुप डेटा का डेटा है, वैल्यूज हैं आपके पास 3, 5, 6, 7, बस इतनी बहुत हैं, इतनी वैल्यूज लेके इसका निकाल, जितने भी वैल्यूज हो मेथड सब का एक जैसा ही होगा। ये ज़रा छोटी सी वैल्यू एक्स हमारे पास है 3, फिर 5, फिर 6, 7। अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब रेसिप्रोकल के लिए कैलकुलेटर में दो है, या तो आप ये कर लें कि 1 को x के साथ, यानी कि 1 डिवाइड 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आप ये आपके पास आ जाता है 0.1234। वैसे तो पॉइंट के बाद हम दो डिजिट लिखते हैं, लेकिन जो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन होता है ना उसमें हम पॉइंट के बाद 4-4 डिजिट लेते हैं। इस तरह से आंसर ज़्यादा जो है एक्यूरेट आ जाता है। तो 1/x के भी कैलकुलेटर में दो बटन हैं, एक तो यह कि तो या तो आप कर लें 1/3, तो ये आ जाएगा। इससे भी शॉर्ट है कि अगर आप 3 लिखें ना, फिर उसके बाद कैलकुलेटर पर एक्स की माइनस वन वाला बटन है, तो आप x की माइनस वन वाला बटन अगर आप प्रेस कर लेते हैं, 3 लिखा ये वाला, मसलन एक 3 लिखें तो x की पावर माइनस वन लिखें, फिर आपके पास ये देखें 0.3333। ये इसके दो तरीके, जो आपको इजी लगे आप वही वाला कर लें, लेकिन इससे ज़रा टाइम की बचत होती है। ये वाला 0. ये इस तरह से आया कि 1 को हमने 3 के साथ डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, या हमने ये कर लिया ना 3 है ना इसकी x की पावर माइनस वन, यानी कि ये भी 1/x ही हो गया। तो ये देखें इस तरह से हमें एक बटन कम प्रेस करना पड़ेगा। इसी तरह से 5 है, अब हम 5 को कैसे करेंगे, 5 फिर अगर हम x की माइनस वन वाला ले लेते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 0.2। तो इसको बैलेंस करने के लिए 1, 2, 3, 0 हम लिख लेते हैं 1, 2, 3। आप इसी तरह से 6, आपकी मर्जी, आप 1/6 कर लो या फिर 6 की पावर वो 1, 6, 6, 6, 7 एक्स की पावर माइनस वन, तो 0.1428। अब हम टोटल कर लेंगे इन सब को, 0.1234 तो हम प्लस 0.2123 प्लस 0.1122
थ्री फिर प्लस 0.1428, ये आपके पास आ जाएगा 0.8427। ये 1/x होता है, जब इसको प्लस किया जाता है तो ये आ जाता है समीशन, तो बाकी वही समीशन 1/x। अब हार्मोनिक वेव का फार्मूला लिखें, n डिवाइडेड बाय सम ऑफ, यानी कि रसी, पहले तो रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन है, मीन है, फिर उसके बाद जो वैल्यूज है ना उनका भी रेसिप्रोकल होता है। अब n है आपके पास 1, 2, 3, 4, समीशन 1/x ये आपके पास है, ये 0.8427, इस तरह डिवाइड करके आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 0.8427, 4.746, ये आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा अनग्रुप डेटा वाला। अब हम ग्रुप डेटा के लिए सॉल्व करते हैं, किस तरह से ग्रुप डेटा, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। अब डेटा इसके लिए मार्क्स 6 से 15, 16 से 25, 26 से 35, 36 से 45, 46 से 55, 56 से 65, 66 से 75। अब एफ वाला कॉलम है आपके पास 13, 2.5, 27, 18, 75, 95, 22। अब कॉलम कौन कौन से बनेगी आपके पास, एक एक्स वाला बनेगा और एक एफ बाय एक्स वाला बन जाएगा। अब x वाला कॉलम हम बनाते हैं जिस तरह से मीन के लिए बनाते हैं, x वाला कॉलम यहाँ पर भी उसी तरह से, फिर भी मैं ये लिखवा देती हूँ 6, यानी कि x वाला कॉलम कैसे बनेगा, एक वैल्यू में लिख लेती हूँ 6 प्लस 15 बाई 2, यहाँ से फर्स्ट वैल्यूज के लिए करेंगे 6 प्लस 15 डिवाइड 2, 10.5। अब 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 तो 41 आ जाएगा, फिर इसको इज इक्वल टू करके डिवाइड 2, क्योंकि दो वैल्यूज है ना इसकी हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 26 प्लस 35, 61 आ गया और इसको 2 से डिवाइड कर देना है 30.5, 36 प्लस 45। स्टूडेंट्स 81 आ गया, पहले आपने इज इक्वल टू करना है उसके बाद फिर डिवाइड टू करना है, वरना डायरेक्ट आंसर गलत आ जाता है, 40.5, 46 प्लस 55 इज इक्वल टू 101 आ गया, डिवाइड टू 50.5, 56 प्लस 65, 121 आ गया, फिर इसको डिवाइड टू 60.5, 66 प्लस 75, 141 को डिवाइड टू 70.5। अब हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है समीशन एफ डिवाइड समीशन एफ बाय एक्स। तो इसके लिए तो हम पहले तो एफ बाय एक्स वाला कॉलम बना लेंगे, फिर उसका समीशन लेंगे, एफ 13 डिवाइड 10.5, ये हमारे पास आ गया 1.2380, 2.5 डिवाइड 0.5 डिवाइड 20.5, 0.1219, फिर 27 को डिवाइड कर देना है
30.5 के साथ, 0.8852, फिर 18 को डिवाइड कर देना है 40.5 के साथ, 0.1234, 75 को डिवाइड कर देना है 50.5 के साथ, ये आपके पास आ जाएगा 1.4851। इसी तरह से 95 को डिवाइड कर देना है 60.5 के साथ। आप ये क्वेश्चन मेरे साथ इस तरह से सॉल्व कीजिए, अगर कैलकुलेटर भी साथ रखे तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 22 डिवाइड 70.5, तो ये आ जाएगा 0.3120। अब हम इनको सम अप कर लेंगे, एक इसको करेंगे एफ आर ए को 13 + 2.5 + 27 + 18 + 75 + 95 + 22, ये हमारे पास प्लस करके आ गया 252.5। इसी तरह से एफ बाई एक्स को प्लस कर लें 1.2380 प्लस 0.1219 प्लस 0.8852 प्लस 0.1234 प्लस 1.4851 प्लस 15.76 प्लस 0.3120 प्लस करके हमारे पास आ गया समीशन एफ बाई एक्स इज इक्वल टू 20.2466 252.5 divide 20.2466। अब डिवाइड करें 252.5 डिवाइड 20.2466 12.47। इस तरह से हमारा हार्मोनिक मीन वाला क्वेश्चन ग्रुप डेटा से सॉल्व हो गया, जिसका आंसर है 12.47। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।